अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीटीए को फौज अदलिया से लड़ाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चोरों का टोला मुझे दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग जो क्रिमिनल हैं, जो अदालतों से भागे हुए हैं, वो अगर आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, इमरान खान ने आज पेशावर जलसे में खिताब करते हुए अपने पिछले बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि मेरा मकसद ये था कि वो लोग जो खुद चोर हैं, जो खुद मेरिट का कत्लेआम करते हैं, वो आर्मी चीफ की तैनाती कैसे कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारे अफवाज को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने वो बता रहे थे कि कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे और इस टोले से, जो मसलत किया हुआ टोला है, इससे निजात दिलाएंगे। और उन्होंने कहा कि जब मेरी हुकूमत गई तो मैं फौरी तौर पर पेशावर आया, सबसे पहले जलसे का आगाज़ यहाँ से किया। पेशावर वालों ने कभी मायूस नहीं किया और आज भी बड़ी तादाद में पेशावर के लोग निकले हैं और हकीकी आज़ादी का सफ़र अब शुरू हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि माजी में नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब अफवाज के हवाले से और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ का नाम ले लेकर किस तरह के बयान देते रहे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और वो ये बता रहे थे कि हमारी अफवाज जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, हमें इस पे किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो पीडीएम की जितनी भी लीडरशिप है, वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो करप्ट हैं, वो माफियाज हैं, इनसे हमें निजात हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब ने आज मुख्तलिफ सैलाब से मुतासर इलाकों में दौरा भी किया और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हुकूमत और ख़ास तौर पर पाक अफवाज जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने और आबादकारियों के हवाले से मसरूफ़ है और मुसलसल पाक फौज जो है वो कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और उनकी जो आबादकारी है वो चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और पाक फौज के लिए, उसके हवाले से भरपूर काम किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो शाना बशाना हैं, चाहे एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, नेवी हो, भरपूर कोशिश की जा रही है लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से और उनको महफूज मकाम तक मुंतकिल करके उनकी आबादकारी, चूँकि ये प्योरली इंतजामिया का काम है। इस सवाल ये सबसे बड़ा चैलेंज है और रुकावटें भी बहुत सारी हैं। अगले मरहल में ज़ाहिर है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा और साथ ही साथ जो इस तरह की कुदरती आफात आती हैं उस हवाले से एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि किस तरह हम इस तरह की चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और आज ख़ास तौर पे चूंकि 6 सितंबर है और योम दिफाए पाकिस्तान मुल्क भर में बड़े मिली जोश जज्बे से मनाया गया और आर्मी चीफ ने कहा कि 6 सितंबर मादरे वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है और कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है और हमारे शहदा हमारा फिरसा है। इस पे भी आगे चल के बात करेंगे और ख़ास तौर पे चूंकि इस वक्त कौम को ज़रूरत भी है और पूरी कौम जो है वो अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। चूंकि पाक अफवाज इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले दिनों जनरल सरफराज की शहादत हुई और मुतासरीन के लिए नज़ारे उनकी जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उनका जायज़ा ले रहे थे और उनका जो हेलीकॉप्टर है वह हादसे का शिकार हुआ। 6 जवानों ने और अफसरान ने शहादत दी और अपनी जान इस वतन पे निछावर की। ये सिलसिला पहले दिन से जारी है और जारी रहेगा। इमदादी कार्रवाइयाँ हों, कोई आफत हो, कोई भी मुसीबत हो, हमारे अफवाज सबसे पहले आवाम के अंदर मौजूद होते हैं और उनकी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। नॉर्मल डेज में वो सरहदों की हिफाजत करते हैं और जब कोई मुसीबत पड़ती है तो उस वक्त भी वो अपने आवाम को बचाने के लिए शाना बशाना उनके साथ खड़े रहते हैं और यही हमारी अफवाज की और हमारी पाक फौज की जो है वो खूबसूरती है। साथ ही साथ चूँकि इस वक्त सैलाब की जब हम बात कर रहे हैं और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो उसने सिंध को मुतासिर किया, उसने जनूबी पंजाब को मुतासिर किया, केपी को मुतासिर किया और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो 85% बलूचिस्तान मुतासिर हुआ है हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से। ये इसकी जो बहाली है वो एक बड़ा टास्क है, बड़ी मुश्किल होगी और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर
बुरी तरह तबाह हुआ और वो साल साल से जो रोड्स बने हुए थे, जो पुल बने हुए थे, वो भी मुतासिर हुए। और इसका जिक्र आज इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में भी किया और अब वो बता रहे थे कि किस तरह जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस पे काम कर रही है और कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लोगों तक इमदादी टीमें जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे जो काम कर रही हैं, चूँकि इस पूरी कौम को इकट्ठा होने और एक कौम बनने का, आज चूँकि 6 सितंबर भी है, इस दिन की निस्बत से भी जिस तरह 1965 में हमारी अफवाज के साथ पूरी कौम खड़ी हो गई थी और इतनी बड़ी जो जंग थी वो हमने जीती और तो उसका मुकाबला किया भरपूर, आज बिल्कुल यही इस वक्त जो कौम का जज्बा है, को जो इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुतहद होने की है और अपने सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने की है, और वो जज्बा हमने शो कर रहा है। और इस तरह के जो दिन मनाए जाते हैं उनका मकसद भी यही होता है कि आप मैक्सिमम जो है वो जो आपका जो जज्बा है, आपका जो अपनी कौम के साथ लगाव है, वो एक मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशन की वजह से आपके अंदर जो एक इत्तेहाद है, एक तंजीम है, उस का मुजाहरा भी करने में करने को मिलता है। और ये एक बड़ा एक मोटिवेशनल और ख़ास तौर पे चूँकि कौमों को मुतहद करने के लिए इस तरह के जो दिन हैं वो आगे लेके जाते हैं, चूँकि इस वक्त जब हम बात करते हैं सैलाब मुतासरीन की, तो मुतासरीन चूँकि मुतासर तो हो चुके हैं, पानी भी आ चुका है बहुत सारे एरियाज, सिंध की जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पे तो उसमें पानी अभी भी खड़ा है, लेकिन उसकी जो निकासी है वो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कश्तियाँ चल रही हैं इस वक्त सिंध के बहुत सारे गांव इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और वहाँ पे सड़कें चूँकि डूब चुकी हैं और कश्तियों के ज़रिए लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाया जा रहा है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, जानी नुकसान तो हुआ ही है, जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें गफलत शामिल है सूबाई हुकूमतों की और इंतज़ामिया की, बहुत चूँकि सिंध को सबसे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा था कि पंजाब का और जो सिंध का साउथ है वो पानी चूँकि बलूचिस्तान से सीधा सिंध में दाखिल होता है और आपको पता था, लेकिन वो पेशगी इकदाम नहीं किए गए और ये तबाही मची। साथ ही साथ चूँकि आज खान साहब ने एक बार फिर ये बात की कि हम सैलाब मुतासरीन को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे, जलसे भी वो कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से जनाब असमतुल्ला न्याजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार है। न्याजी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब एक तो चूंकि इस वक्त माहौल इस तरह का बन गया है, खान साहब की जो फैसलाबाद जलसे में स्पीच थी उसको लेकर और आज उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की, मलबा सारा उन्होंने PDM के ऊपर डालने की कोशिश की, बताया कि मेरा मकसद ये है कि ये चोर, ये वो लोग हैं जो अदालतों से मफरूर हैं, वो नए आर्मी चीफ की तैनाती कैसे कर सकते हैं और वो कैसे मेरिट पे होगी, वो उन्होंने आज आज के जलसे में बताने की कोशिश की। ओवरऑल चूंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे भी, इस्लामाबाद पे भी और पिंडी पे भी, किस तरह देखते हैं, कोई ये आज के उनके इस जवाब की वजह से कुछ बर्फ़ पिघलेगी आप समझ सकते हैं, या खान साहब एक प्रॉपर प्लान के साथ जो हम देख रहे हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, चाहे इदारे हों चाहे पॉलिटिकल हुकूमत, खैर वैसे नज़र ही नहीं आ रही, वो उनके सामने तो कोई बयानिया, इमरान खान के सामने मौजूदा हुकूमत का बयानिया तो कोई टिक ही नहीं पा रहा, लेकिन वो जो फौज को लेकर बयान दे रहे हैं इस हवाले से आपको लगता है कि कुछ मामलात कंट्रोल होंगे और बात आगे बढ़ेगी या मजीद पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं खान साहब? जी जिस तरीके से ये गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट आई थी और आपको याद होगा कि इनके जो वज़रा थे तकीद ने आते ही कहा था कि हमारे दो मकासद थे, एक तो ये कि जो सितंबर अक्टूबर के अंदर जो एक अपॉइंटमेंट होने वाली थी उस हवाले से उन्होंने खुल के कहा था कि हमारे सामने वो था, फिर दूसरा ये कि नैब केसेस थे जी। इसी तरीके से इमरान खान के लिए, हालांकि देखिए सैलाब मैंने 2010 का सैलाब पूरा कवर किया और कराची सेंटर बैठ के मैं इस्लामाबाद से कराची हमने पूरा सेंटर जी जी बिल्कुल बनाया था और हमने 2010 का जो था वो कवर किया था, ये सैलाब उससे कहीं बड़ा सैलाब,
और उससे कहीं ज्यादा तबाही है इसके अंदर। उसके अंदर जो सड़कों की सड़कें शाहराह की शाहराहें बह गई हैं, बंद बह गई हैं। जी न्याजी साहब, ये कहा यह जा रहा है कि जिस जो आजाद कश्मीर का जलजला आया था 5 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2005 को, गो के उसमें इंसानी जाने ज्यादा ज्या हुआ था इंसानी जानों का, लेकिन जब माली नुकसान या तबाही की बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा तबाही मचाई है इस सैलाब ने। वही मैं कह रहा हूँ कि जी बहुत बड़ा, बहुत बड़ी तबाही है। हालांकि फोकस ये होना चाहिए कि सारी जो लीडरशिप है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबको फोकस करना चाहिए सैलाब के ऊपर। लेकिन इनके नजदीक जितने भी सियासी पार्ट, जैसे इमरान खान के नजदीक अब सितंबर अक्टूबर का महीना जो है, इनके नजदीक फौज की वो तैनाती है, वो अहमियत अख्तियार गया और वो टारगेट करेंगे। अब ये ठीक वो चाहते हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर गौर से देखा हो तो एक नाम बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, एक तस्वीर बहुत ज्यादा गर्दिश के वो उसको चीफ बनाया जा रहा है। जी और ये वो चीफ है जब ये 2018 में जब ये इन्होंने इक्तदार संभाला था तो वो ऐसे ही चीफ थी। ठीक जिन्होंने फरा गोगी और वो मलिक रियाज वाला मामला जो है उसको उठाया था और उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया था। बिल्कुल अब वो सूरत आज जब ये सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी तो इन्होंने उसका जवाब देना शुरू कर दिया और ज्यादा इसको टारगेट करना शुरू किया। हालांकि ठीक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो या नेवल चीफ की अपॉइंटमेंट हो या एयर चीफ की अपॉइंटमेंट हो, वो कुल्ली तौर पर वजी अला का इस्तेकाक होता है, वो उसको उसका अख्तियार होता है, उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। दुनिया भर में कहीं भी इन चीजों को डिस्कस नहीं किया जा रहा। ये बहुत बड़ा एक ठीक न्याजी साहब, आप चूंकि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज को, और न सिर्फ पार्टीज बल्कि उनके जो हेड्स हैं उनके साथ बड़े आपके अच्छे मुलाजिम भी रहे, कवर भी करते रहे, आप क्या समझते हैं? सिर्फ खान साहब नहीं, हमने देखा खान साहब भी बात करें वो भी गलत है, और माजी के जो दूसरे हुक्मरान हैं वो भी करते रहे, क्या वजह है कि हम आके इन चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं और जानबूझ के बनाते हैं? ये कोई प्रॉपर प्लान करके किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाते हैं, जानबूझ के ऐसा किया जाता है। क्यों हम टारगेट करते हैं हमेशा आर्मी चीफ की तैनाती जब देखिए जब भी हुई है? इसके अंदर तासुर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके अंदर सियासत के अंदर होती है, अदारे जो है वो सियासत के अंदर वो अदारे जिनको सियासत मुलविस होने चाहिए, ये तासुर है कि वो मुलविस होते हैं, तो फिर जब उनको उनको काउंटर करने के लिए ये टारगेट करते हैं। और ठीक ये देखिए माजी के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी किया टारगेट, पीएमएलएन ने एन ने भी भी किया, टारगेट किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आज टारगेट हो रहा है। बिल्कुल आज ठीक कह रहे हैं। टारगेट आज एक ओपनली जलसों के अंदर किया है, पहले कभी जलसों में नहीं, ये मामला जलसों में नहीं लाए जाते थे। अब जो टारगेट किया जा रहा है जलसों के अंदर बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, और उससे अदारे का जो जो इमेज है मोराल है उसका 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 जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और मेरे ख्याल में अदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए ठीक, और अदारों को खुद भी इन चीजों से अलग करना चाहिए, अलग करना चाहिए। लेकिन वरना जी जी ठीक कह रहे हैं आप, अलग होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अलग मामला हो नहीं पा रहे। बारहा ISPR की तरफ से ये बातें की भी गई कि हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आता है, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जाहिर है अगेन ISPR को आना पड़ता है और फिर एक नई डिबेट शुरू हो जाती है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। न्याजी साहब, एक चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ, चूँकि आपका बड़ा वसी तजर्बा भी है, हुकूमत हमें सर नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान का बयानिया क्या है, ज़ाहिर वो अपोजिशन में है और दो सूबों में उनकी हुकूमत है, लेकिन वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातें हमें किसी भी लेवल पे नज़र नहीं आ रही। वो ग्रिप करते हुए कि हमें वो सैलाब वालों को लीड कर रहे हों या वो एक बयानिया सेट कर सके हों, हमें पता चले कि भाई इतनी बड़ी आफत आई हुई है इस मुल्क के अंदर, और जिस तरह हमने आपने खुद 2010 का ज़ाहिर जो सैलाब था वो कवर भी किया, रिपोर्ट भी किया 2005 के जलजले के वाले से भी, उस वक्त कौम भी नज़र आ रही थी, लीडरशिप भी नज़र आ रही थी एक दफ़ा, उस वक्त चूंकि मुशर्रफ साहब थे और 2010 में जरदारी साहब, लेकिन नज़र आ रहा था कि कुछ भी है, हुकूमत के पीछे इदारे खड़े थे, हुकूमत के पीछे सूबाई हुकूमतें खड़ी थी। आज ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, और यही वजह है कि हमें हादसा भी नज़र आ रहे हैं हर जगह, क्योंकि हुकूमत तो कुछ कुछ भी कर रही है तो वो हमें नज़र भी नहीं आ रहा। उसकी वजह है ना, देखिए उसकी उसकी बुनियादी वजह ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो कंफाइन हो गई है 25-30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर वो कंफाइन हो गई है, बाकी सूबों के अंदर जो PMLN है या PDM है उसकी उसकी हुकूमत ही नहीं है,
सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन जिस जिस मैग्नीट्यूड का तबाही है, जिस जिस पैमाने की वहां पर तबाही आई है, उसमें वो हालांकि उनको एक तजर्बा था 2010 का, 2010 में भी पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी जी जी और सिंध को, सिंध में उनका। बात यह है कि जो एक एक नई चीज जो सामने आ रही है, वो वडेरों के खिलाफ और जमींदारों के लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक खुलकर एक मास नीचे से उठता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि लाखड़ा के अंदर भी तो बहुत बहुत पुरजोर ठीक। एहतजाज हुआ, मैं नेहरू साहब मैं, राजनपुर में हुआ। जी जी मैं इसके इस पे आऊंगा अगले अगले कुछ 4 मिनट में, आपको इस पे भरपूर दूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि वफाकी हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन ग्रिप बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं, हमें उसकी, वफाकी हुकूमत उसकी, नजर आ रही उसकी वजह ही जी। ना बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, ना ही पीडीएम की हुकूमत पंजाब में पंजाब के अंदर है, ना ही केपी के अंदर उनकी हुकूमत है। केपी और पंजाब दो 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 बहुत अहम सूबे हैं, हालांकि बलूचिस्तान भी उतना ही अहम सूबा है, लेकिन पंजाब और उसके अंदर सियासत खेली जा रही है, बाकायदा खेली जा रही है, काउंटर किया जा रहा है, और किसी तो बिल्कुल जो पीडीएम के जो वफाक के अंदर कंफाइन हो गई है, वो किसी तौर पे भी ना पंजाब के अंदर काम कर पा रही है, ना ही जो ठीक। केपी के अंदर काम न्याजी कर साहब एक सवाल रहा और, फिर एक चूंकि आप मुस्लिम लीग नून के कैंप को बड़ा अच्छे से समझते हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जो बाकी ग्रुप्स हों, क्या वजह है? मुझे आपको या आम आदमी को नज़र आ रहा है कि बहुत सारी ग्रुपिंग है, मुस्लिम लीग नून को शायद साइडलाइन लगाया जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ साहब को या लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का एहसास नहीं कि भाई कुछ भी है, इस वक्त वज़ीर आज़म आपका नून लीग का है और चारों सूबों में लोग यही कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म कहाँ है? देखिए, मैं इनको बहुत बहुत संजीदगी से इस चीज को सामने रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर अगर ये 3-4 महीनों के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं, ऐलान हो जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो नून लीग को होगा और खास करके पंजाब के अंदर होगा। इस वक्त जो सूरत हाल सैलाब की वजह से पैदा हुई है, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है महंगाई, महंगाई ने लोगों को बहुत बहुत, बहुत दीवार से लगा दिया है, और अगर ये काबू ना कर सके, इस पे फोकस ना कर सके वफाकी को बता दे, तो सबसे बड़ा नुकसान पीडीएम, देखिए पीडीएम पीडीएम की बाकी जमातें अलग हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो पीएमएलएन को होगा, नून लीग को होगा, और मेरे ख्याल में ये इस चीज के मुताबिक नहीं हो सकते। उनको फोकस करना चाहिए ये सैलाब के हवाले से और महंगाई, दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए, ठीक, वरना नून लीग का वैसे ही बुरा हाल होगा जैसे पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर हुआ है, या केपी के अंदर हुआ है, या दूसरों सूबों के अंदर हुआ है, और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल भी अब सिंध के अंदर वैसे बहुत जा रही है। मैं इसी पे आ रहा हूँ न्याजी साहब, जो चूंकि 15 साल मुसलसल इकतदार रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपने भी देखा होगा, हमें भी याद है 2018 में के इलेक्शंस हुए, उसके बाद ज़रा खान साहब ने थोड़ी सी कोशिश भी की थी कि वो सिंध का रुख करेंगे, नैब को थोड़ा टाइट करने की कोशिश की थी, केसेस भी खुले थे बहुत सारे, लेकिन चूंकि खान साहब अपनी उनकी हुकूमत ही इतनी कमज़ोर थी कि वो सिंध की तरफ रुख कर ही नहीं सके, इस्लामाबाद तक ही महदूद रहे और लाहौर तक ही। अब जिस तरफ आपने शुरू में इशारा किया था, हम ये देख रहे हैं एटलीस्ट सिंध सतह पर, मैं आपके साथ ये बात दावे से कर सकता हूँ कि नीचे जो आपने कहा ना कि तब्दीली आ रही है, तो ये एक बहाना बना है सैलाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से जो एक इन्होंने मनज़म तरीके से वोट अपना मैनेज किया हुआ था, वो एक्सपोज हो रहा है, लोग खुलकर बात कर रहे हैं डिजिटल पे भी, मीडिया पे भी, और जिस तरह का हमें फीडबैक आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो तबाही है और जो इनकी इंतजामी गफलत है, 2010 का आपने रेफरेंस दे चुके हैं, इतना टाइम था इनके पास, ये छोटे बंद बना सकते थे, ये पानी को डाइवर्ट कर सकते थे, 2 महीने पहले आपको भी याद होगा जनरल सरफराज साहब की जब शहादत हुई, उससे पहले बलूचिस्तान में सैलाब था, सबको पता था वो पानी इधर आएगा, लेकिन उसके बावजूद इकदाम नहीं किए, और ये चीज़ अब सिंध के आम आवाम जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो समझ रहा है और वो बगावत कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उसकी बुनियाद देखिए ना, अब जैसे कि मैंने कहा 2010 के अंदर का बहुत बड़ा सैलाब था, वो इनके लिए एक मॉडल था कि किस तरीके से हमने आइंदा इतने बड़े मैग्नीट्यूड का अगर सैलाब आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और किसी भी पार्टी ने चाहे चाहे जिस आप देखिए साउथ पंजाब के अंदर भी यही होता है, जी। वो कोई सुलेमान का जो सिलसिला है उसका वो ऐसा सिलसिला है कि वहां जब बारिशें होती है, मैं खुद वहाँ राजनपुर के पास और डीजी खान के दरमियान रोड कोहियां जो होती है उसके अंदर मैं फंस चुका, हमारी गाड़ी फंस चुकी है वहां पर जरूरत है छोटे डैम्स की बनाने की, और सिंध के अंदर छोटे छोटे डैम्स बनाने की जरूरत है, लेकिन देखिए पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसके पास एक सूबे के अंदर
तकरीबन 10 बल्कि अब तो बहुत ज्यादा, अब तो 13-14 साल हो गए, 15 साल, 15 साल सर हो ये जाएंगे 15वां साल है। 15वां साल चल रहा है। इनके पास तो इतना बड़ा तजर्बा होना चाहिए कि इनके होना चाहिए था कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन बुरी तरीके से नाकाम हुई है। आप देखिए लोग सराय दुरानी टाइप के लोगों को, मुराद अली शाह को देखिए, आप देखिए वडेरों को, जो जो बड़े बड़े पीर हो उनको उनको काउंटर कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो आप उनको वापस भेज देते हैं कि यहाँ के लेने के लिए क्या लेने के लिए आए हो। इसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। लोग इस वक्त बहुत बुरे तरीके से दबे हुए हैं, महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, सैलाब के अंदर दबे हुए हैं, और जरूरत इस बात की है कि हुकूमतों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ठीक, अच्छा न्याजी साहब एक चीज और, जो मैं सिंध की सतह तक कह सकता हूँ, जनूबी पंजाब को आप बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर आपके कनेक्शन भी होंगे, बलोचिस्तान तो खैर बहुत ही ज़्यादा तबाह है, लेकिन सिंध की जब हम बात करें सर, भूख यहाँ पे है, चूंकि आप जानते हैं गांव देहात के अंदर लोगों का जो रोज़गार होता है वो इसी चीज़ से जुड़ा होता है, वो ज़मीनों पे काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको वहाँ से जो मजदूरी मिलती है उसी पे गुजारा करते हैं। सिंध जो है इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, वो जो अपनी जान बचा के निकले हैं, कपड़े नहीं है, इमदादी टीमें ज़रूर काम कर रही हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। हुकूमत, सूबाई हुकूमत यहाँ पे किसी भी लेवल पे हमें नज़र नहीं आ रही, ना ही उनके पास कोई प्लान नज़र आ रहा है। मुराद अली शाह सिर्फ दौरे करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी जिस तरह आप बता रहे थे ऐसा ही है, वहाँ से लोग उनको भगा देते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे मैनेज होगा? महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुर्बत बहुत पहले से यहाँ पर सिंध में मौजूद है, अब लोग 3-3 दिन से भूखे हैं, ये वो विजुअल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और रिकॉर्ड हैं, वहाँ से रिपोर्टर्स और हमारे जो एंकर पर्सन जाके रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि लोग हैं, और यहाँ कराची इतने लोग माइग्रेट होके आए बेबस से, तो कैसे मैनेज होगा अगले 6 महीने साल? देखिए ये मैनेज करने के लिए एक तो आपके पास इस वक्त जो सूरत हाल है आपके पास पैसा भी नहीं है। अब इसका ये देखना है कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। दूसरी बात है कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, इस वक्त जो सूरत हाल है खासकर सिंध और पंजाब की, साउथ पंजाब की सूरत हाल है या बलोचिस्तान की सूरत हाल है, ये इनके हाथों से मामला निकल चुके हैं, क्योंकि अभी अभी एक एक स्पेल मानसून का अभी बाकी आना है जी। वो बाकी है, उसके बारे में जो जो प्रडिक्शन है अल्लाह खैर करे, वो बहुत बड़ी प्रडिक्शन है। अगर इस वक्त जो ये सूरत हाल है कि मंचर लेक बिल्कुल फट पड़ी है, वो जो महफूज इलाके हैं वो उनके वहाँ ब्रीच हो गए हैं, बंद टूट गए हैं, आयदाद पे एक बंद टूटा है जिसे वो काबू नहीं कर सके। लेकिन अगर वो स्पेल बड़ा स्पेल जैसे कि पेशेंट गोई की जा रही है उसी तरीके से अगर आया तो फिर तो हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे के हुकूमतों को अपनी जो है वो हुकूमतें बचाना मुश्किल हो जाएगी। सूरत हाल ये है कि एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, और इनको अभी भी वक्त है। लेकिन इसमें एक चीज है न्याजी साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्स तो कर ही रही है, आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने भी कोशिश की, खान साहब ने भी अपने तौर पर चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की, एग्जीक्यूशन इशू है, हमने कोविड में भी देखा सिंध में घपले हुए हैं, प्रॉपर लोगों तक जो इमदाद थी वो नहीं पहुंची, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी और ख़ासतौर पे इम्पोर्टेंट आइटम्स जो थे वो चोरी होते हुए हमें नज़र आए। आज भी इसी तरह का हुआ, जो टेंट्स फौरी इमदाद जो आई है वो भी मिनिस्टर्स ने अपने अपने इलाकों में भेजने की और कुछ घरों में उसको होल्ड करने की कोशिश की, तो हमारे तो ये रवैये हुकूमत के जो जो असल 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 में प्रॉब्लम ही यही हो गया है कि ये जो आम आदमी है वो ये इस चीज को उठा रहा है, सवाल उठा रहा है कि हम वडेरों के हाथों से, हम पटवारियों के हाथों से इमदादी सामान नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने अपने और ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इनके हाथों में सामान ना दिया जाए, इमदादी सामान ना दिया जाए। ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लोग बहुत मुतनफर होते चले जा रहे हैं, और जो एक पूरी स्ट्रेटेजी इनको बनानी चाहिए सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को, के वडेरों के बजाय, सियासतदानों के बजाय वो बराह रास्त अपनी निगरानी के अंदर आम आदमी तक जो जरूरतमंद है उसके उसके पास जाकर उस इमदादी सामान पहुंचाए, वरना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही वजह है कि जो डोनर्स हैं वो भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं मदद करते हुए, उनको नहीं समझ आ रही कि वो किसको अपनी। देखिए डोनर्स अभी अमेरिका में एक डेलीगेशन आया हुआ है, वो अपनी असेसमेंट करके गया, यूरोपीय यूनियन असेसमेंट कर रही है, अभी तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आना है आपको। जी बिल्कुल, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इसका मालिक है,
उन्होंने अभी आपको रिस्पांस, अभी तो छोटा छोटा रिस्पांस आ रहा है ना, बिल्कुल अभी अभी बड़े रिस्पांस आने आपके सर, आबादकारियों अगला मरहला सर आबादकारियों का है, लोगों के घर वापस आपने बनाने हैं, अभी तो आपने उनको टेंट सिटी बना के देने हैं, उसके बाद आपको वापस उनको पानी निकलेगा उतरेगा, उनके घर जहां बने हुए थे वहीं पे आपने घर खड़े करके उनको देने हैं, तो ये एक बड़ा टास्क होगा। बहुत शुक्रिया जनाब असदुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बता रहे थे कि किस तरह 2010 का सैलाब जो आया था और आज का सैलाब किस तरह डैमेज किया, हुकूमतों को क्या इकदाम करने चाहिए थे, वो इकदाम हमें होते हुए नज़र नहीं आए, पेश की इतलात होने के बावजूद भी हुकूमतें जो है वो बेबस नज़र आई, और हमने ये देखा इस चीज़ को कि वो सीरियस ही नहीं लिया उन्होंने इस सैलाब को, अगर वो थोड़ा सा सीरियस लेते इस मामले को तो एक मार्जिन था सिंध हुकूमत के पास, वो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता था, ज़ाहिर तबाही बहुत ज़्यादा थी लेकिन कोशिश की जा सकती थी, वो इसको मैनेज कर सकते थे लेकिन मैनेज नहीं हुआ, इसकी क्या वजह बनी इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे।